नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसको देखकर आपको भी एक बार उस नन्ही बच्ची पर तरस आ जाएगा। माँ की हरकत ने माँ की ममता को एक बार फिर से तार तार कर दिया है। पैदा होते ही अपनी नवजात बच्ची को बाल भवन में छोड़ गई कलयुगी माँ बाप। देखिए जरा आप इस बच्ची को, इस मासूम बच्ची के चेहरे को देखे देखे आप इसे कि यही कहेंगे आखिर इस बच्ची का कसूर क्या था। इसके साथ ऐसा किया गया, पैदा होते ही इसे अपने आप से दूर कर दिया गया। इसलिए माँ की ममता पर कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी बनते हैं। जिसने बेटे को जन्म देते ही अपने आंचल से दूर कर दिया और अनाथ आश्रम के पालने में डालकर वहां से गायब हो गई, यह बिना सोचा कि बिन माँ के इस बच्ची का क्या होगा। बिना माँ की असीस के सहारे यह कैसे अपना बचपन काटेगी। एक दूध की बोतल के साथ कल बीती दोपहर इस मासूम सी नन्ही परी को पालने घर में छोड़ दिया गया। सरकारों और प्रशासन की ओर से लोगों को कई तरह के कार्यक्रमों के जरिए बेटियों के प्रति जागरूक किया जाता है और बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, ऐसा संदेश दिया जाता है। लेकिन फिर भी लोगों की छोटी सोच के कारण कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ जाती है कि जिससे उन परिवारों को और उस माँ के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। अब MDD बाल भवन के अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चे व वार्डन इस बच्ची की देखभाल में जुटे हुए हैं और साथ ही बच्ची का मेडिकल भी कराया जा रहा है और बच्ची एकदम ठीक बताई जा रही है। बच्ची 2-3 दिन की बताई जा रही है। ना जाने क्या वजह थी, क्या कारण था जो एक माँ ने अपनी मासूम नन्ही सी परी को पालने में छोड़कर चली गई। इस मासूम सी नन्ही परी का नाम बाल भवन में ही रख दिया गया और नाम रखा गया दिया। अस्पताल में बच्ची को मेडिकल के लिए ले जाते दौरान आसपास की बच्चियां एवं इस मासूम बच्ची को दिया दिया कहकर बुलाने लगी और सोते हुए इस बच्ची की मासूमियत देखकर हर कोई दंग था कि आखिर इसे इसकी माँ ने छोड़ा क्यों। नन्ही दिया कभी कभी रोने लगती है तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाले से पूछ रही हो, आखिर मेरा कसूर क्या था जो मेरा साथ मेरी माँ ने ऐसा किया। फिलहाल MD बाल भवन की तरफ से बच्ची की सूचना पुलिस के साथ उच्च अधिकारियों को दी गई है, जिसके बाद अभी बच्ची की देखभाल बाल भवन के बच्चे व वार्डन कर रहे हैं। वहीं बाल भवन के संचालक का कहना है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, इससे पहले भी कई बच्चियों को इस पालने घर में मां छोड़कर चली गई, जिसे आगे की कार्यवाही के बाद कई लोग उन्हें गोद ले लेते हैं। हाँ जी, ये सर बच्ची MDD बाल भवन फूसगढ़ में पालना घर में छोड़ी गई है। इसके मम्मी पापा शायद पता नहीं कौन इसको छोड़ के गए हैं कल, और सभी वहाँ पर इस बच्ची को देख के बहुत खुश हुए और सभी बच्चे भी सर भी हमारे बहुत खुश हुए इस बच्ची को देख के, और हम सभी अपने दिल से इस बच्ची की देखभाल कर रहे हैं, सभी स्टाफ और वहाँ के सर और मैडम। तो कहाँ छोड़ के गए हैं, क्या ये पालना घर में छोड़ी गई है बच्ची, वहाँ पर पालना घर बनाया हुआ है बच्चे, छोटे बच्चे जो अनचाहे बच्चे हैं उनको छोड़ने के लिए। क्या आप इसलिए इसकी माता छोड़ के गई? हाँ जी, ये तो शायद सर हमें पता नहीं कौन छोड़ के गए हैं, और इसका नाम पता लगा? ये ना एकदम बैल बजती है वहाँ पर बच्चा छोटा छोड़े जाने पर, फिर वो चौकीदार ने देखा वहाँ पर और सर को बताया, फिर वहाँ से गुड़िया को ले आया। क्या नाम रखा गया इसका? क्या इसका नाम दिया रखा गया जी। अब ठीक है बच्चे? हाँ जी, गुड़िया बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ मेडिकल कराने आए हैं क्या? हाँ जी, यहाँ पर सर मेडिकल करवाने आए इनका। मैडम कई बार रुकती भी होगी क्योंकि छोटी है। हाँ जी, वहाँ पर सर वार्डन रात के लिए भी रखी गई है, दिन में भी वार्डन रखी गई है, पूरी तरह से इसकी देखभाल हो रही है। हाँ जी, रोती है सर, थोड़ी बहुत ही देर तो रोती है। क्या नाम आपका? सीमा। तो मैडम जो कल MDD पालना घर में दो या तीन दिन की एक बच्ची को दोपहर को एज 1:10 में कोई अनजान बंदे ने छोड़ के गया, और उसी टाइम चौकीदार जो गेटमैन बाके आके मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया, मैं जाकर खुद बच्चे को उड़ाया, और बच्चे के साथ एक हिमालयन की बेबी किट और एक बोतल में दूध था, एक तौलिया के अंदर लपेट के बच्चों को लिटाया हुआ था, और मैक्सिमम 2 या 3 दिन की उम्र लग रहा है बच्चों की। और ये है हमारे MDD पालनागर के अंदर पिछले 4 साल के अंदर 10वीं बच्चे है, 10 बच्चे उसके अंदर आ चुका है, उसमें 8 लड़कियां हैं, 2 लड़के मिले हैं हमको। तो क्या कुछ पता लगा उसका कौन छोड़ के गया? नहीं, ऐसे ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से सेव गर्ल चाइल्ड के प्रोजेक्ट में
हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर CCA के अंदर पालना घर लगाने के लिए कुछ साल पहले ऑर्डर हुआ है। उस टाइम हमने पहले हरियाणा के अंदर हमने पहले लगाया, उस कंडीशन में है ना, कोई कैमरा लगा नहीं सकता है, ना जो ऐसे छोड़ने वाला पेरेंट्स के बारे में कोई एनगोरी नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं करते, ऐसे करें तो कोई बच्चे को पालना में छोड़ेंगे नहीं है, वो कूड़े में डालेंगे, कुत्ता और कोई बिल्ली ऐसे काट के उसको मार देंगे। ये बच्चे के जीवन सफल हुआ है, क्योंकि झूले में आया, उन्होंने एक तरीके से तो पाप किया है, फिर भी पुण्य किया है, हजारों लोग हैं बच्चों को गोद लेने के लिए सरकार के पास एंट्री किया हुआ है, तो उन किसी के पास हालत क्या है, अस्पताल कल है, उसी टाइम आज पर रूल है CWC DCPS को इन्फॉर्म किया और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इन्फॉर्म किया, मेडिकल करवाया, थाने में जाकर DDR कटवाया, कल शाम होने के कारण से पूरा कंप्लीट मेडिकल नहीं हुआ है, वो जो बाकी मेडिकल के लिए सुबह उन्होंने 10 बजे बुलाया, आज सिविल हॉस्पिटल में डीपली मेडिकल के लिए बच्चों को लेके गया, डॉक्टर के कहना यही है बच्चे बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।